हेलो व्यूअर्स, मैं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है गाड़ी के फ्यूज़ बॉक्स का ऊपर में। ये मेरा गाड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर, तो इसके फ्यूज़ बॉक्स को खोल के देखते हैं असल में फ्यूज़ बॉक्स है क्या और फ्यूज़ बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे आज। तो ये बिल्कुल बैटरी के पास ही है, तो ये रहा फ्यूज़ बॉक्स। यह फ्यूज़ बॉक्स, तो इसमें एक क्लिप होता है, इसको दबा के इसको हल्के से दबा के इसको खोल देते हैं। ये खुल गया, बहुत ही आसानी से खुल जाता है। तो यह है अंदर का नज़ारा फ्यूज़ बॉक्स का, जो देखिए इसके अंदर कई सारे फ्यूजेस हैं और ये सब रिलेज है, रिलेज और फ्यूज़ है। तो ये अलग अलग प्रकार के फ्यूज़ है, 30 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 10, 15, 30, 7.5, 15, 9 एम्पेयर, कुछ इस तरह से अलग अलग टाइप के फ्यूज़ है। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान चीज़ होता है इसका ढक्कन देखना। इसके ढक्कन में पूरे फ्यूज़ का डायग्राम दिया होता है, ये देखिए। तो समझना बहुत ही आसान है, रुकिए मैं दिखाता हूँ। तो ये है, इसके डायग्राम को देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा फ्यूज़ किसके लिए है। 50 एम्पेयर इग्निशन टू, 30 एम्पेयर ब्लोअर के लिए है, उसके बाद पंप के लिए है, एबीएस के लिए है, एबीएस टू 25 एम्पेयर, फॉग लैम्प के लिए है, फोन 20 एम्पेयर, एबीएस वन 40 एम्पेयर, इस तरह से ईसीएम के लिए है 7.5 एम्पेयर। इस तरह से अलग अलग काम के लिए अलग अलग फ्यूज़ दिया गया है। और इसमें नहीं, ये गैसोलीन मॉडल है, इसमें ये गैसोलीन मॉडल का इसमें रिलेज लगा है, डीजल के लिए डीजल में लगा होता है। ओके, ये फ्रंट फॉग लैंप्स है, इसमें अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल काम होता है अंदर में सामान है, उसके लिए अलग अलग फ्यूज़ दिया गया है। तो ये फ्यूज़ क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी सर्किट अगर ख़राब हो जाए, उसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए या कुछ ख़राबी आ जाए, तो पूरा सर्किट ख़राब ना हो बल्कि ये फ्यूज़ जल जाए, ये फ्यूज़ उड़ जाता है। फ्यूज़ उड़ के मतलब ये सर्किट को ये बंद कर देता है, ताकि उसमें करंट और फ्लो ना हो। उससे ये क्या होता है, हमारा पूरा वायरिंग बच जाता है, ये सर्किट वगैरह ख़राब नहीं होते और जो अंदर में इक्विपमेंट्स वगैरह है वो ख़राब नहीं होते, इसके लिए ये फ्यूज़ दिया जाता है। ओके, तो ये फ्यूज़ बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं इसके ढक्कन में, इसमें स्पेयर फ्यूजेस भी दिए गए हैं, ये देखिए। इसमें ये स्पेयर फ्यूजेस दिए गए हैं, ये सब है स्पेयर फ्यूजेस। अलग अलग एम्पेयर्स के दिए गए हैं, 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, 30, 7.5, 10, 15 एम्पेयर। और ऊपर में ये जो है ये फ्यूज़ पुलर है, ये फ्यूज़ को खोलने या लगाने के लिए काम आता है, ये फ्यूज़ पुलर है। और ये है स्पेयर फ्यूजेस, 20, 25, 30, 7.5, 10, 15, इस तरह से। अगर कोई आपका इसमें फ्यूज़ ख़राब हो जाए, चलिए अगर इसमें से कोई फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो उसमें से आप निकाल के इसको बदल सकते हैं, ये जो फ्यूजेस है। ओके, चलिए देखते हैं। अभी हम लोग का हेडलाइट जो है ऑन है, तो इसमें एक फ्यूज़ है, चलिए ये वाला 15 एम्पेयर का, ये है हम लोग का हेडलाइट का फ्यूज़। देखिए इसको निकालते ही क्या होगा, इसको फ्यूज़ पुलर कहते हैं, इसको फ्यूज़ को निकालने के लिए दिया जाता है। इसको ऐसे हल्का दबाना है, ये खुल जाता है, और इसको ऐसे लगा देना है, इस यहाँ पे इसको लगा के इसको बाहर की ओर खींचे, ये खुल गया। अभी देखिए हम लोग का हेडलाइट जल रहा था, अभी ये बंद हो गया, क्योंकि इसका सर्किट क्या हुआ, सर्किट इसका बंद हो गया फ्यूज़ को खोलते ही। अभी फिर से लगा देंगे तो फिर से जलेगा, देखिए देखिए फिर से निकाल दिया तो ये बुझ गया। तो ये असल में ये फ्यूज़ होता क्या है, मैं आपको एकदम पास से दिखाता हूँ होता क्या है। तो ये है ये वो फ्यूज़ जिसको हमने अभी निकाला था, ये है
ये दोनों एन पे, ये देखिए ये फ्यूज, ये सॉकेट में लग जाता है, यहाँ से कनेक्शन मिलता है। और ये जो बीच में जो ये आर्क जैसा है, ब्रेक आर्क जैसा है, यही है फ्यूज। देखिए हाँ, बीच में जो ये आर्क, ये कार्ब जैसा है, यही है फ्यूज। जब फ्यूज ब्लोन आउट हो जाता है, मतलब जल जाता है, तो ये इसमें क्या होगा, आपको ये कंटिन्यूएशन नहीं दिखेगा, ये बीच में से टूट जाएगा, तब तो आपको पता चलेगा कि ये मतलब फ्यूज खराब हो चुका है, तो इसको आपको बदलना होगा। बहुत सारी वजह होती है फ्यूज खराब होने की, तो ये आपको लगाना, तो ये इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूज खराब हो गया नहीं, ये बीच में से इसके टूट जाएगा, बीच में जो कर्व है। टूटने के बाद आप इसको अलग जो स्पेयर फ्यूज दिया गया है उसमें से आप बदल सकते हैं। अगर आपके पास है नहीं तो आपको खरीदना पड़ेगा। ये हेडलाइट का फ्यूज था, ये फिर से जलने लग गया। तो अगर आपका कभी हेडलाइट नहीं जल रहा है तो पहले आप क्या कर सकते हैं, फ्यूज को खोल के देख सकते हैं कि हेडलाइट का फ्यूज उड़ गया है क्या। अगर उड़ गया है तो फ्यूज बदलने से हो जाएगा, अगर उड़ा नहीं है तो शायद बल्ब खराब होगा या कुछ और खराबी हो सकती है। तो थोड़ा बहुत आपको पता चल जाता है मतलब फ्यूज बॉक्स खोलने के बाद। ये नहीं कि सब चीज आप यही से ठीक कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं कि हर चीज ठीक कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन कुछ कुछ जो छोटी मोटी प्रॉब्लम से होती है तो आप इसको खोल के आपको पता लग जाता है क्या हो प्रॉब्लम है इसमें। अभी गाड़ी का भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप खोल के देख सकते हैं इग्निशन का फ्यूज खराब हो गया है क्या। अगर इग्निशन का फ्यूज खराब हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि इग्निशन का फ्यूज खराब है, इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप इसको बदल सकते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट, और इसको समझने के लिए कौन सा फ्यूज क्या है, ये ढक्कन में दिया लिखा होता है। ज्यादातर गाड़ियों में लिखा होता है, कुछ कुछ मॉडल्स में नहीं लिखा होता है, ज्यादातर गाड़ियों में इस तरह से अंदर में ये जो डायग्राम है कौन सा फ्यूज का फंक्शन क्या है ये लिखा होता है, कौन सा रिलेज का फंक्शन क्या है इसमें लिखा होता है। तो यही है फ्यूज बॉक्स। तो आप इसको कभी कुछ छोटी मोटी कुछ परेशानी आने से आप कभी खोल के देख सकते हैं कि परेशानी है क्या। कभी आपका यूएसबी चार्जर चार्ज ना हो रहा होगा, चार्ज नहीं हो रहा है यूएसबी चार्जर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज खराब है। अगर फ्यूज खराब है तो उसको बदलिए तो वो काम करने लगेगा। कुछ इस तरह से आप इस छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इलेक्ट्रिकल गाड़ी की वो यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।